मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपकी और हमारे सेहत के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में। जी हां, अगर आपके भी कमर के निचले हिस्से में दर्द है और आप भी इससे परेशान हैं, तो डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर कुर्सी से अचानक उठते हुए या झुकते समय आपको भी कमर के निचले हिस्सों में दर्द महसूस होता है, तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये दर्द किस वजह से है और कितना गंभीर है। घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करते रहने के चलते ये दर्द अक्सर बढ़ जाती है। नतीजा ये है कि कम उम्र में ही लोअर बैक पेन लोगों को जकड़ लेता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि कमर दर्द समस्या जरूर है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है। ये तब ज्यादा गंभीर बन जाता है जब इसे नजरअंदाज किया जाता है। कमर के निचले हिस्से में हो रहे दर्द से निपटने का सबसे सटीक तरीका है उसके कारणों को समझना और फिर उस अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना, ताकि जल्द से जल्द राहत मिल सके। ये दर्द वैसे तो 35 से 55 साल की उम्र में बढ़ता है, लेकिन गलत पोस्चर की वजह से कम उम्र में भी इसका शिकार हो सकते हैं। लोअर बैक पेन ज्यादा दिन चलने पर एंजाइटी और स्ट्रेस का भी कारण बन सकता है। इस दर्द से दूर रहने के लिए फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है। एक ही जगह बैठे रहने या सिट्रेंट्री लाइफ की वजह से ये तकलीफ बढ़ सकती है। सिकाई या मालिश करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अक्सर गर्म या ठंडी सिकाई का कंफ्यूजन तकलीफ को ज्यादा बढ़ा देता है। कम से कम दर्द में ही अगर वर्कआउट शुरू कर देंगे तो दर्द असहनीय नहीं होगा और असहनीय होने से पहले ही आपका दर्द ठीक हो जाएगा। लोअर बैक पेन होते ही सर्जरी के बारे में ना सोचें। डाइट में थोड़ा बदलाव करें और वर्कआउट से, मतलब एक्सरसाइज से, इस पर काबू पाया जा सकता है। सर्जरी की जो सलाह है उसी वक्त मिलती है जब दर्द ज्यादा गंभीर हो। उसे गंभीर होने से रोकना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, लेकिन अब बात आती है कि डॉक्टर से दिखाना कब जरूरी हो जाता है। तब जब आपको अगर कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो वर्कआउट से और भी ज्यादा नुकसान होगा। हल्के फुल्के घरेलू उपचार से दर्द ठीक ना हो तो बेहतर है कि डॉक्टर को दिखाएं। कमर दर्द के साथ अगर पैर में भी तकलीफ हो, जैसे खिंचाव या दर्द, तो डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। दवाई के बाद भी दर्द में कमी ना आए तो घरेलू और खुद के इलाज को रोककर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी हाँ, तो ये कुछ जरूरी उपाय थे। पहले आप अगर हल्का दर्द है तो खुद वर्कआउट करें, खुद कोशिश करें, घरेलू नुस्खे अपनाएं। लेकिन अगर ये सब करने के बाद दर्द ठीक नहीं होता, नॉर्मल दवाई खाने के बाद भी दर्द ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना बाद में परेशानियां बढ़ सकती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।